हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था पादप अनुवांशिकी, अब इस लेक्चर में बात करते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। आप लोगों को बता दें ये 9वां चैप्टर है हमारा, ठीक है। इससे पहले के 8 चैप्टर आपको प्ले सूची में, एक सूची बनी हुई है जनरल साइंस के नाम से, उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जीवों की आधारभूत संरचना तथा कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका सेल। कोशा शब्द किस भाषा से लिया गया? लेटिन। कोशा का क्या अर्थ होता है? सूक्ष्म कक्ष। केंद्रक वितरक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह किसका कथन है? स्टॉस वर्गर का। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका, कोशिका भित्ति जीव द्रव रिक्तिका, फिर जीव द्रव की कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्र। कोशिका द्रव, कोशिका, कोशिकांग, हाइलोप्लाज या साइटोसोल। इसमें कोशिकांग में लवक, माइटोकांड्रिया, अंतरा, वेदभी जालिका, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लाइसोजोम, सेंटोसोम, माइक्रोबॉडीज। साइटोसोल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन, केंद्रिका, ठीक। राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, सेंटोमियर तथा सेंटिओल में से कौन सी रचना जंतु कोशिका की वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंटिओल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादक नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या है? कोशिका भित्ति, भित्री। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सांकेत झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतरा, विद्युत प्रद्युत जालिका। कोशिकीय जनन सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकांड्रिया। आवरणी लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। आगे बात करते हैं, कोशिका की खोज की बात कर लेते हैं। कोशिका की खोज, माइक्रोग्राफिया। लंदन में 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किए गए आवर्धक लेंस से माइन्यूटी का अध्ययन, शरीर क्रिया की व्याख्या, अवलोकन तथा उसके बाद जांच पड़ताल जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय जो आज कोशिका विज्ञान का आकार बनाता है वह ऑब्जर्व में कारक या उसी की तरह अन्य वस्तुओं की कोशिकाएं या छिद्र या कोष्ठ का अध्ययन का वर्णन। जब आप नीचे दिए गए सारांश को पढ़ेंगे तो उसका पता चलेगा कि हुक ने कोशिका की खोज आदिम यंत्रों, मध्यम विकास तथा घिससे या टूटे हुए लेंसों से की थी। मैंने एक टुकड़ा कार्क का लिया, उसे चाकू की सहायता से इतना पतला किया जितना रेजर होता है। मैंने इसका एक टुकड़ा लिया और इसे अधिक चिकना किया और फिर मैंने बड़े ध्यान से सूक्ष्मदर्शी में देखा। मुझे छोटे छोटे सुराग दिखाई पड़े लेकिन मैंने उन्हें विभेदन नहीं कर सका। यदि मैं और अधिक ध्यान देता तो सूक्ष्म दृष्टि में इसे विभेदित कर पाता। मैंने उसे तेज चाकू से पहले वाले कार के टुकड़े से बहुत ही पतला टुकड़ा काट लिया, उसे काली प्लेट पर रखा क्योंकि यह स्वयं सफ़ेद था। इस पर समतल अवतल गिलास से प्रकाश डाला। मैंने उसे अधिक
स्पष्ट देख सका और देखा कि छिद्रित सुराख है, ऐसे सुराख जो मधुमक्खी के छत्तों से मिलते जुलते। ये सुराख अथवा कोशिकाएं अधिक गहरे नहीं बल्कि उनमें बहुत से छोटे डिब्बे थे जो किसी डायफ्राम द्वारा लंबे सुराख से अलग थे। अब पत्तियों को हरा हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सेल में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। यदि माइटोकांड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? प्लास्टिड। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। आगे, प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजिंग। कौन सा अंग प्रया जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। लाइसोसोम्स क्या कार्य करता है? अंतरा कोशिकीय पाचन। कोशिका भित्ति कैसे होती है? परागम से। माइटोकांड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। आगे बात करते हैं, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पोरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है? हक्सले का। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? वाल्डेयर ने। अंतरदिव्य जालक की खोज किसने की? पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्रवण। कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? माइटोकांड्रिया। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? ओफियोग्लोसस में। जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज। बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज पौधों में सेल्यूलोज मुख्य रचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज एक अणु में 6000 ग्लूकोज होते हैं। कपास के तंतु में सबसे अधिक 90% सेल्यूलोज होता है। लकड़ी में 25 से 50% सेल्यूलोज तथा शेष हेमी सेल्यूलोज अथवा लिगन लिग्नन आदि है। आदिकाल से मनुष्य आशय ईंधन औजार आदि के लिए सेलुलोज युक्त पदार्थों पर ही निर्भर रहता था। कपास, लेनन तथा पटसन के तंतुओं का उपयोग कपड़े तथा रस्सियां बनाने में किया जाता है। रेयान के कृत्रिम तंतु बनाने के लिए सेलुलोज को क्षार में घोला जाता है। अन्य रसायनों से क्रिया करके सेलुलोज सेल्यूस लोसेटेट सेल्यूलोज नाइट्रेट। इसका उपयोग नोदक विस्फोटक में होता है। इसका उपयोग पेंट
फेविक्स सेल्यूलेज एक प्लास्टिक में करते हैं तथा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलेज इसे आइसक्रीम प्रसाधनों तथा दवाइयों में चिकनापन लाने के लिए मिलाते हैं बना सकते हैं। सेल्यूलोज पर जल अपघटन की क्रिया करके घुलनशील शक्कर बनाई जा सकती है। इस शक्कर पर सूक्ष्मजीव क्रिया करके एथेनॉल वोटानॉल एसीटोन मैथेन तथा अन्य उपयोगी रसायन बना जा सकते हैं। मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज मोटे चारे के रूप में काम करता है। पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य में ऐसे एंजाइम नहीं होते जो सेल्यूलोज पर क्रिया कर सकें। कुछ रोमिनेंट जैसे गाय सेल्यूलोज को पचा सकती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचन योग्य बना देते हैं। घोंघे तथा दीमक भी सेलुलोज पर निर्भर हैं। उनकी भी आहार नाल में सेलुलोज को पचाने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोशिका की कला वर्णात्मकता परागम होती है। यह कोशी कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। कोशिका अंगों का कौन सा एक अर्ध परागम है? कोशिका झिल्ली। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइक्रोप्लाज्मा में। लाइसोसोम की खोज किसने की? डिडवे। माइक्रोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वाल्थर फ्लेमिंग। अंतःप्रद्रव्यी जालिका किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं? पादप कोशिका की सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करना। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। पौधे से निकलने चिकने पदार्थ को म्यूसीलेज कहते हैं। जब आप इस बगोल के बीज को भिगोते हैं या भिंडी काटते हैं तब कुछ चिकना सा पदार्थ निकलता है। यह म्यूसीलेज पॉलीसेकेराइड है जो गैलेक्टोज तथा मैनोज से बनता है। कुछ समुद्री घास से भी म्यूसीलेज जैसे एगार एल्जीनिक एसिड तथा कैरीजिनिन बनते हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जीवाणु की कोशिका भित्ति जंतुओं में कि संयोजी ऊतकों तथा शरीर के सेल पदार्थों को अंतराली स्थानों पर यह स्नायु तथा कंदरा को चिकनाहट देते हैं। आँखों में स्थित कचाव द्रव साइनोवियल तरल में भी म्यूको पॉलीसेकेराइड होता है। हाल यूरोनिक एसिड संयोजी ऊतक तथा कोशिका भित्ति में होता है। केरेटिन सल्फेट तथा कॉन्डियोटिन अल्फेट कार्टिलेज कार्निया तथा त्वचा में होता है। ये इनको शक्ति तथा लचीलापन देता है। पादप कोशिका के भीतर ग्रेना और स्टोमा कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। अब बात कर लेते हैं कोशिका विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। जीव द्रव्य की खोज किसने की? कार्टी व डुजार्डिन ने 1838 में। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? बेंडा ने 1850 में। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की? सूल्ज ने 1861 में। गोल्गी बॉडी उपकरण की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्गी ने 1867 में। केंद्रीय अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। क्रोमोसोम की किसने की? वाल्डियर ने 1888 में। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहनसन ने 1909 में। राइबोसोम की खोज किसने की? पेलाडे ने 1855। लाइसोसोम राइबोसोम था ये पेलाडे ने किए और लाइसोसोम डी डुवे 1957 में। ठीक, आगे बात करते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की। विकास संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। सर्वाधिक विकास संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? विकास के नीले व लाल क्षेत्रों में। रिक्तिका रस क्या है? रिक्तिकाओं में पाए जाने वाले खनिजों व कार्बन
कार्बनिक पदार्थों का तनु विलयन। आगे बात करते हैं, पादप कोशिकाएं पूर्ण सख्त। 1902 में जर्मन के वनस्पति शास्त्री हेवरलैंड ने कहा था कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूरा पौधा पुनर्वर्जित करने की क्षमता होनी चाहिए। इस संकल्पना को पूर्ण सख्त कहते हैं। यह इस धारणा पर आधारित है कि जीव की प्रत्येक कोशिका निषेचित अंडे से बनती है और इसमें पुनः पूरा पौधा विकसित करने के जन्मजात गुण विद्यमान होने चाहिए। लेकिन हेवरलैंड का प्रयोग उसने हरी पत्तियों से कोशिका को अलग करके उगाया था असफल हो गया था। सन 1950 में अंत में एफसी स्टीवर्ड तथा उसके सहयोगियों ने कोरेनेल विश्वविद्यालय अमेरिका में गाजर के साथ बहुत ही रोचक अध्ययन किया। इस वैज्ञानिकों ने गाजर की जड़ के फ्लोएम ऊतकों, जिनमें परिपक्व अविभाज्य कोशिकाएं थीं, से 2 किलोग्राम टुकड़े लिए। उन्होंने उसे तरल पोषक माध्यम जिसमें नारियल का पानी था में उगाया। कोशिकाएं विभाजित हुई और अलग होकर एक नीलम्बन बना लिया। इस नई बनी कोशिका के झुंड से जड़ें निकल गईं। तब इन्हें संवर्ध नली, जिसमें वही अवयवों तथा अधिठोसीय माध्यम था, में स्थानांतरित किया गया, तो उनसे पिरोह बना और अंततः पौधा बन गया। परख नली में उगाए गए पौधों को जब गमलों में लगाया गया, तब उनसे नारंगी रंग की जड़ें निकली। इस प्रयोग से यह पता चलता है कि परिपक्व कोशिका में भी विभाजन करवाया जा सकता है, उससे पूरा पौधा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद स्टीवर्ड तथा हेल्पिरिन और वेथेरेल ने गाजर की कोशिकाओं से हजारों कायिक भ्रूणों को विकसित किया। कोशिका की पूर्ण सख्तता अब बहुत से पादपों ऊतकों, जिनकी उत्पत्ति विभिन्न है, परागकोष, भ्रूणकोष, मूल, पिरोह, शीश, पत्तियां, पुष्पी कलियां आदि में भी दिखाई गई हैं। कोशिका के अद्भुत गुण का उपयोग ऊतक संवर्धन द्वारा पौधों को उगाने की में किया जाता है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है, कैमेलो गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, रिचर्ड अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, रिचर्ड अल्टमान। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने नामकरण किया, तो आपको याद रखना है, बेंडा। कौन से ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, विषाणु। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने की, फ्लेड ने। कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है, हरित लवक को। पादप कोशिका में रस धानी का क्या कार्य है, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करना। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिनोटाइप। आगे बात करते हैं, संयुग्मी प्रोटीनों का वर्गीकरण। संयुग्मी प्रोटीन का वर्गीकरण उनके प्रॉस्थेटिक समूह के अनुसार किया जाता है। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, न्यूक्लियोपोटीन राइबोसोम तथा क्रोमोसोम का न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सम्मिश्रण, फ्रेमेटलो प्रोटीन, मेटल प्रोटीन सम्मिश्रण, लोहा प्रोटीन सम्मिश्रण जैसे फोर्टीन, क्रोमो प्रोटीन, वर्डक प्रोटीन सम्मिश्रण, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम, फास्फोट प्रोटीन, फॉस्फेट प्रोटीन सम्मिश्रण, दूध का केसिन, लिपो प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन सम्मिश्रण जो झिल्ली में होता है, ग्लाइको प्रोटीन तथा म्यूको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सम्मिश्रण जैसे म्यूसिन तथा प्लाज्मा झिल्ली में कुछ प्रोटीन। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण जिस इकाई द्वारा नियंत्रित होता है उसे क्या कहते हैं, एलील। किसके अनुसार प्रत्येक जनक की कार्यकी कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए 2 कारक होते हैं, मेंडल। प्रथम कभी मा
कपी मानव को क्या नाम दिया गया? ऑस्टेलो पिथेकस। मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। सबसे पहले भोजन पकाने अपनी रक्षा करने वाली मानव का क्या नाम है? जावा मैन। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के मौलिक संयोजन की प्रवृत्ति एक ही युग्मक के साथ प्रवेश किया क्या कहलाती है? सहलग्नता। जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे होंगे? सभी लंबे पौधे होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा कोशिका विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को देख लिया। आगे बात करेंगे हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, 10वां चैप्टर होगा पारिस्थितिकी।